सब का ख्याल रखिए। तो इस तरह से बहुत से लोग आपको बुलाएंगे, मगर आप अंदर मत जाना। अगर आप वॉकिंग स्ट्रीट घूमे हो पतेया की और कुछ अलग देखना चाहते हो तो आप एक बार एलके मेट्रो ज़रूर आओ। दोस्तों यहाँ बहुत सारे ऐसे क्लब भी हैं जहाँ पर इंडियंस अलाउड नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये वॉकिंग स्ट्रीट से भी बड़ा एरिया है। मैंने एक थाई बंदी से पूछा कि ऐसा क्यों है कि जो फॉरेनर है फिरंगी लोग हैं यहाँ के सेटल हो जाते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हो। दोस्तों आप देख रहे हो घूमेगा क्या। मैं हूँ थाईलैंड की सिटी पटाया में और अभी हूँ एलके मेट्रो में। दोस्तों ये वॉकिंग स्ट्रीट से अलग एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं। क्या है सब बताऊंगा, लेकिन फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल, वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे पूछूंगा वही सवाल, घूमेगा क्या। अभी हम हैं एलके मेट्रो नाम की ऐसी जगह पे जहाँ का माहौल ही अलग होता है। अगर आप वॉकिंग स्ट्रीट घूमे हो पतेया की और कुछ अलग देखना चाहते हो तो आप एक बार एलके मेट्रो ज़रूर आओ। यहाँ पर ना इंडियंस के लिए क्लब्स नहीं है, लेकिन जो दूसरी कंट्री है यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अलग अलग जो कंट्रियाँ हैं उनके बहुत सारे क्लब्स यहाँ पर बने हुए हैं। वो सब यहाँ आते हैं, यहाँ चिल करते हैं, मज़े करते हैं। दोस्तों यहाँ बहुत सारे ऐसे क्लब भी हैं जहाँ पर इंडियंस अलाउड नहीं है, तो सिर्फ फिरंगी आपको यहाँ दिखेंगे। ऐसा नहीं कि इंडियंस यहाँ आ नहीं सकते, मैं भी यहाँ घूम रहा हूँ लेकिन मुझे कोई इंडियन नहीं दिख रहा। उसके कई कारण हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर ना कई ऐसे क्लब है जहाँ पर इंडियंस का आना मना है, क्योंकि आपको पता है ना अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया है और उनको आज भी ऐसा लगता है कि हम जो हैं वो उनके ग़ुलाम हैं, तो उनको पसंद नहीं होता कि वो इंडियंस के साथ पार्टी करें। तो बहुत सारे जो क्लब्स हैं जिसमें सिर्फ फिरंगी रहते हैं वो इंडियंस को नहीं आने देते। मेरे पीछे एक क्लब देख सकते हो, इसका नाम है द लास वेगास जो कि यूएसए में है। तो ये एक नया गोगो क्लब है। गोगो क्लब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो गोगो क्लब में कुछ नहीं होता है, अंदर आप जाते हो अंदर डांस चलता रहता है। अगर आपको किसी से बात करनी है, खासकर किसी लड़की से, तो आप उसको अप्रोच करने के लिए, उससे बात करने के लिए उसको एक ड्रिंक ऑफर करते हो कि मैं आपको एक ड्रिंक पिलाता हूँ। वो ड्रिंक एक पानी होता है, ड्रिंक नहीं होती, बस पानी होता है, और बात शुरू करने के लिए एक अमाउंट आप पे करते हो। उसके बाद आप उससे बात करो, जो भी आपको चर्चा करना है वो करो। तो गोगो क्लब कुछ इस तरह से काम करता है। ये जो पूरी लाइन है एलके मेट्रो, यहाँ पर बहुत सारे गोगो क्लब्स हैं। आप अंदर जाते हो अंदर डांस चलता रहता है। इंडियंस यहाँ पर नहीं दिखेंगे और बहुत से क्लब में इंडियंस अलाउ भी नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ फिरंग दिखते हैं, और फिरंग भी वो जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे को कोई जवान फिरंग यहाँ पर नहीं दिखा। तो दोस्तों यहाँ सब जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े जो अंग्रेज़ हैं, वो जो थाईलैंड में आके बस गए हैं, वो यहाँ आते हैं और आराम से यहाँ रह के चले जाते हैं। तो दोस्तों यही है यहाँ की कहानी।
मेट्रो वाला जो एरिया है या ट्री टाउन वाला या सोई फाइव या सोई सिक्स, ये बनाया क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये वॉकिंग स्ट्रीट से भी बड़ा एरिया है ना। अगर आप मेरे बाल निकल रहे हैं, आप बता भी नहीं रहे हो मेरे के। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये वॉकिंग स्ट्रीट से भी ज़्यादा बड़ा एरिया है। यहाँ बहुत सारे कैफेज क्लब हैं, जो रिटायर हो गए हैं फिरंगी लोग है ना, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, गवर्नमेंट वहाँ की इनको पेंशन देती है। अब अगर ये वो वहाँ रहेंगे तो वहाँ ना इनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, वो कंट्री बहुत महंगी है रहने के लिए। तो इस तरह के जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक के भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बूढ़े फिरंगी जो यहाँ आकर बस गए हैं, और वो शाम को इन एरिया में आते हैं, दारू पीते हैं, चिल करते हैं। तो ये एरिया उनके लिए बना है। और मैं यार, जो लोग कहते हैं कि भैया थाईलैंड सिर्फ इंडिया वालों के दम पे चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडियंस बहुत कम संख्या में यहाँ आते हैं, उससे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे फिरंगी लोग आते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, यहाँ तक इतने संख्या में आते हैं कि उस जो देश है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की पुलिस भी यहाँ पर उनके लिए मौजूद रहती है। मतलब सोचिए, इतनी संख्या में आ रहे हैं कि उस देश ने अपनी स्पेशल पुलिस यहाँ भेज दी कि भैया आप ध्यान रखो अपने लोगों का। इंडियन पुलिस यहाँ पे नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप पीछे आप देखो, इतनी भीड़ है और सब फिरंगी फिरंगी दिखेंगे, और सबकी उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल है। तो भैया पटिया में, पताया में अगर कुछ होता है तो स्पेशली ये होता है कि जो फॉरेनर्स होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, वो यहाँ के शिफ्ट हो जाते हैं। और ये पूरा जो एरिया है, एलके मेट्रो, ट्री टाउन और ये सभी चीज़ें, ये सब आप एरिया में आपको वही लोग मिलेंगे। एड ऑन करना चाहूँगा मैं दोस्तों, मैंने एक थाई बंदी से पूछा कि ऐसा क्यों है कि जो फॉरेनर है, फिरंगी लोग हैं, यहाँ के सेटल हो जाते हैं और थाई बंदी से शादी कर लेते हैं। तो उस बंदी का कहना था कि जो थाई लेडी होती है ना, वो घर का सारा काम करती है। मतलब वो कपड़े भी धो देगी, वो खाना भी बना देगी, आपका ध्यान भी रख लेगी, तो बहुत सारा पैसा बच जाता है आपका मेड का। तो जो फिरंगी होते हैं, रुक जाओ, आवाज़ नहीं आई, ये देखो पीछे लाइव म्यूजिक, ये बहुत जगह आपको दिख जाएगा लाइव म्यूजिक। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो फॉरेनर्स रहते हैं, वो पैसे बचाने के लिए थाई बंदी के साथ या थाई लड़की के साथ शादी कर लेते हैं, और वो निश्चिंत हो जाते हैं कि यार भैया अब हमारा ध्यान भी ये रख लेगी, खाना भी हमको खिला देगी, कपड़े भी ये धो देगी, घर का ध्यान देख रेख भी ये कर देगी। तो बहुत सारा पैसा उनका बच जाता है, और ये पैसा बचाने के चक्कर में वो थाई लड़की से शादी कर लेते हैं या वो थाईलैंड आके सेट हो जाते हैं। मुझे एक ऑस्ट्रेलिया का बुज़ुर्ग मिला, उसकी उम्र आराम से कम 60-65 साल होगी, वो 10 साल से यहाँ रह रहा है और यहीं में बस गया। वो कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया का हूँ बट वहाँ नहीं जाता क्योंकि वो बहुत महंगा है सिटी। दोस्तों यहाँ बहुत सारे मसाज पार्लर्स भी हैं जहाँ आप जाके मसाज करवा सकते हो। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब का बटन दबाओ, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बड़े काम का और लाखों की चीज़ है क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करता है। चलिए जी आगे चलते हैं। पसंद आया होगा। अगर आप पटिया में आए हो तो एक बार आप ज़रूर यहाँ पर आओ, चिल करो, बैठो, मज़े करो, और कुछ नया फील करना हो तो करो, और मुझे सपोर्ट करो। और सपोर्ट करने के लिए करना होगा आपको सब्सक्राइब, तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए। तो इस तरह से बहुत से लोग आपको बुलाएंगे, मगर आप अंदर मत जाना, अपन सीधे साधे लोग हैं। अगली बार अगले वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए।
और पूछूंगा वही सवाल, घूमेगा क्या?